अंग्रेजों के जमाने की जेलें अत्याचारों और दमन के लिए कुख्यात थीं। अंग्रेजों के राज में हजारों लोगों को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता था क्योंकि वे वंदे मातरम गाते थे या वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर चलने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अखबार में लेख लिखने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। यहां तक कि गांधी टोपी लगाने वालों को भी लात घूसों से पीटा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को अखबार निकालने, लेख लिखने, भाषण देने पर ही न जाने कितनी बार जेल में डाला गया। ऐसा भी कई बार हुआ जब तिलक ने किसी अंग्रेज अधिकारी के अत्याचारों के खिलाफ लेख लिखा और तिलक पर उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाकर जेल में ठूंस दिया गया। मांडले जेल आज भी तिलक के कदमों को याद करके रो पड़ती है। वीर सावरकर को 2 बार काले पानी की सजा दी गई तथा उन्हें 2 बार आजन्म कारावास की सजा दी गई। उन्हें जेल में कोल्हू पेरने के लिए विवश किया जाता था तथा भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। विरोध करने पर कोड़ों से पीटा जाता था। उनका कसूर केवल यह था कि उन्होंने मदनलाल धींगरा द्वारा अंग्रेज अधिकारी वायली की हत्या के बाद धींगरा के समर्थन में एक लेख लिखा था। उन दिनों भारत में यह कहावत चल पड़ी थी कि गांधी जी ने जितना चरखा नहीं फेरा उतना तो वीर सावरकर ने अंग्रेजों की जेलों में कोल्हू फेरा था। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जेल में ही फांसी दी गई तथा उनकी मृतदेह को जलाकर नदी में बहा दिया गया। वीर प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में जीवित जलाकर मारा गया। सुभाष चंद्र बोस को तो अंग्रेज जेल से बाहर देखना ही नहीं चाहते थे। उन्हें न जाने किस किस अपराध में कितनी बार जेल में डाले रखा गया, किंतु अंग्रेज ऐसी कोई जेल नहीं बना पाए जिसमें सुभाष बाबू को हमेशा के लिए बंद करके रखा जा सकता। कांग्रेस में एक भी ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसने जेल में कुछ महीने या कुछ साल न गुजारे हों। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की जेलों में बिताया। गांधी, नेहरू और पटेल को बात बात पर और न जाने कितनी बार जेलों में डाला गया। हैरानी यह सोचकर होती है कि जब सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों तथा सुभाष, गांधी, नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेसियों को भारत की आज़ादी मांगने के अपराध में बार बार जेल जाना पड़ा, तब भारत की सड़कों पर कत्लेआम करवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान तथा सुहरावर्दी जैसे किसी भी मुस्लिम लीगी नेता को एक बार भी जेल क्यों नहीं जाना पड़ा। भारत को पाने के लिए हमारे नेताओं को जेल पर जेल की गई, तब जिन्ना, लियाकत अली और सुहरावर्दी को एक बार भी जेल गए बिना पाकिस्तान कैसे मिल गया। पंजाब प्रांत में ईस्वी 1937 से पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार चल रही थी। यह हिंदुओं और मुसलमानों की मिली जुली सरकार थी। ईस्वी 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि वे इस सरकार को गिरा दें। मुस्लिम लीग के गुंडों ने तुरंत ही सड़कों पर छुरेबाजी एवं आगजनी शुरू कर दी, जिससे घबराकर पंजाब के अंग्रेज गवर्नर ने यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके मुस्लिम लीग की सरकार बनवा दी। इस हिंसा के लिए एक भी मुस्लिम लीग नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब मोहम्मद अली जिन्ना एवं लियाकत अली ने अगस्त 1946 में कलकत्ता में सीधी कार्रवाई का आह्वान किया, तो मुस्लिम लीग के गुंडों ने हजारों निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी। तब भी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल की सरकार ने जिन्ना और लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के किसी भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया, न उन पर कोई मुकदमा चलाया। जब सीधी कार्रवाई के दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने खुलेआम हिंसा की कार्रवाई में भाग लिया, तब वेवेल सरकार ने सुहरावर्दी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया, उसे गिरफ्तार नहीं किया और न उस पर कोई मुकदमा चलाया। कांग्रेस के नेताओं तथा अंग्रेज अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वयं संगठन हिंसक कार्रवाइयों वाला संगठन दिखता था, किंतु उन्हें यह दिखाई क्यों नहीं दिया कि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नेशनल गार्ड के नाम से 40,000 लोगों की खूनी एवं हथियारबंद फौज खड़ी कर ली है।
और वह प्रतिदिन निर्दोष नागरिकों के साथ हिंसा कर रही है। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत में विभिन्न पक्षों से बात कर रहा था, उसी दौरान अप्रैल 1946 में नई दिल्ली में मुस्लिम लीग के नेताओं ने कैबिनेट मिशन के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। जिन्ना ने कहा, यदि कोई भी अंतरिम व्यवस्था मुसलमानों पर थोपी गई तो मैं स्वयं को किसी भी खतरे, परीक्षा या बलिदान, जो भी मेरे से मांगा जा सकता है, को झेलने की शपथ लेता हूं। यही शपथ अधिवेशन में उपस्थित सभी मुस्लिम नेताओं ने ली। पंजाबी नेता फिरोज खान नून ने कहा, जो विनाश हम करेंगे उससे चंगेज खान और हलाकू ने जो किया उसे भी शर्म आ जाएगी। उसने यह भी कहा कि यदि ब्रिटेन अथवा हिंदू नेताओं ने हमें पाकिस्तान नहीं दिया तो रूस यह काम करेगा। बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने कहा, यदि हिंदू सम्मान और शांति के साथ रहना चाहते हैं तो कांग्रेस को पाकिस्तान की स्वीकृति देनी चाहिए। सीमांत नेता कयूम खान ने घोषणा की, मुसलमानों के पास सिवाय तलवार निकालने के और कोई मार्ग नहीं बचेगा। बंगाल लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हाशिम ने कहा, जहां न्याय और समता असफल हो, चमचमाता इस्पात मसले को तय करेगा। पंजाब के नेता शौकत हयात खान ने कहा, मेरे प्रांत की लड़ाकू जाति केवल एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रही है, आप हमें केवल एक अवसर दीजिए और हम नमूना पेश कर देंगे, जबकि ब्रिटिश सेना अभी भी भारत में मौजूद है। इतनी खतरनाक कार्यवाहियों, बयानबाजियों एवं धमकियों के बावजूद यदि अंग्रेज सरकार जिन्ना और उसके दोस्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही थी तो इसके पीछे लॉर्ड मिंटो द्वारा ईस्वी 1906 में तैयार की गई एक नीति काम कर रही थी, जिसका सारांश इस प्रकार है। जब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में उग्रवादी कहे जाने वाले कांग्रेसी नेताओं ने देश की आज़ादी की मांग तेज कर दी तो अंग्रेजों ने तब के अलगाववादी मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल करने का निश्चय किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल आर्किबाल्ड को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि यदि आगामी सुधारों के बारे में मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुसलमानों के लिए अलग अधिकारों की मांग करे और इसके लिए वायसराय से मिले तो वायसराय को उनसे मिलने में प्रसन्नता होगी। इस निमंत्रण को पाकर अलगाववादी मुस्लिम नेताओं की बाँछें खिल गईं। 1 अक्टूबर 1906 को 36 मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सर आगा खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला और उन्हें एक आवेदन पत्र देकर मुसलमानों की तरफ से कई प्रकार की मांगें सरकार के समक्ष रखीं। लॉर्ड मिंटो ने इन लोगों का स्वागत किया तथा कहा, आपकी हर मांग उचित है तथा आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। आपको केवल इतना करना है कि कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही देश विरोधी गतिविधियों से दूर रहना है। उस समय के अलगाववादी मुस्लिम नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अंग्रेज सरकार अचानक उन्हें इतना सम्मान देगी और कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने में उनकी सहायता करेगी। एक तरह से इन अलगाववादी मुस्लिम नेताओं की लॉटरी लग गई थी। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों ने अलगाववादी नेताओं को अपने जाल में फंसाने तथा सांप्रदायिकता की खाई को चौड़ा करने का काम आरंभ कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि भारत के अलगाववादी मुस्लिम नेता कांग्रेस से अलग होकर एक बड़ा राजनीतिक दल खड़ा कर लें। इस अलगाववादी प्रतिनिधि मंडल की उत्तेजना को देखकर अंग्रेज अधिकारी अच्छी तरह समझ गए कि वे इन अलगाववादी मुस्लिम नेताओं को भारत की आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ आसानी से काम में ले सकते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं लॉर्ड मिंटो की पत्नी मैरी मिंटो की डायरी से होती है। जिस दिन यह प्रतिनिधि मंडल शिमला से अपने घरों को लौटा, उसी शाम एक ब्रिटिश अधिकारी ने वायसराय की पत्नी मैरी मिंटो को पत्र लिखकर सूचित किया, मैं आपको संक्षेप में सूचित करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। आज राजनीतिज्ञतापूर्ण एक ऐसा कार्य हुआ है जिसका प्रभाव भारत तथा उसकी राजनीति पर चिरकाल तक पड़ता रहेगा। भारत के 6 करोड़ 20 लाख लोगों को हमने विद्रोही पक्ष
अर्थात कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोक लिया है। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में शिमला में आए अलगाववादी मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल को अंग्रेजों की बहुत बड़ी विजय बताया गया और अलगाववादी मुसलमानों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह प्रथम अवसर था जब वायसराय के निमंत्रण पर भारत के विभिन्न भागों के मुस्लिम नेता शिमला में एकत्रित हुए थे। ईस्वी 1923 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए स्वयं जिन्ना ने कहा था कि यह प्रतिनिधिमंडल सरकारी आदेश से लॉर्ड मिंटो के पास गया था। जब ये अलगाववादी मुस्लिम नेता वापस अपने घरों को लौटे तब वे पूरे राजनीतिज्ञ बन चुके थे। अब उनके कंधों पर सर सैयद अहमद द्वारा तराशी गई अलीगढ़ राजनीति को सारे देश में फैलाने की जिम्मेदारी थी। मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा करने के इस काम के लिए भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने 18 अक्टूबर 1906 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखकर बधाई दी। इस सम्मेलन के दो साल के भीतर ही ईस्वी 1908 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जो देश में कांग्रेस तथा हिंदू महासभा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों को विफल करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। शिमला में गवर्नर द्वारा मुस्लिम नेताओं को दिया गया आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा शीघ्र ही पूरा किया गया और ईस्वी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश भारत की प्रत्येक विधानसभा के लिए मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। इसके बाद अंग्रेज सरकार की यह नीति हो गई कि जब भी कांग्रेस या हिंदू महासभा या कोई अन्य राष्ट्रवादी संगठन आजादी की मांग को लेकर आंदोलन करे तो उसे लाठी घूसों से निपटो और जेल में पटको, किंतु यदि जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग कुछ भी खून खराबा करे तो उससे कुछ मत कहो। यही कारण था कि जिन्ना और उसके दोस्तों को एक बार भी जेल गए बिना पाकिस्तान मिल गया। खुद लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को थाली में परोसकर पाकिस्तान भेंट किया।